Now we will learn about the basis of accounting. So there are two bases of accounting. First one is cash base, second one is accrual base. So first cash base records only cash transactions, मतलब ही केवल cash transaction record करता है, whereas accrual base records both cash as well as credit transactions. So cash transactions record the expenses when they are paid, whereas all the expenses are recorded whether they are paid or not in accrual base. Third is all incomes are recorded when they are received in cash base, but in accrual base all incomes are recorded when they are received or not. फोर्थ वन इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय द कंपनीज एक्ट, मतलब जो कंपनीज एक्ट थी ना 1956, ये कैश बेस उसके तहत नहीं आता है, वेयर एज एक्रूअल बेस रिकॉग्नाइज्ड बाय कंपनीज एक्ट 1956. फिफ्थ वन इज डज नॉट असर्टेन करेक्ट प्रॉफिट और लॉस, मतलब हाँ ये अब कैसे सही प्रॉफिट और लॉस बताएगा, जैसे कि इन बिजनेस में कई प्रकार के ट्रांजैक्शन रहते हैं, कैश के भी और क्रेडिट के भी, और इसमें तो केवल यहाँ पे जैसे हम देख सकते हैं केवल कैश ट्रांजैक्शन कर सकता है, तो ये कैसे सही बता पाएगा. तो इट डजेंट असर्टेन करेक्ट प्रॉफिट और लॉस, वेयर इज एक्रूअल करेक्ट गिव्स प्रॉफिट और लॉस. सिक्स वन इज मतलब ये ना केवल डॉक्टर लॉयर ये जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनके लिए सुटेबल है, वेयर एज एक्रूअल कॉन्सेप्ट इज सुटेबल फॉर बिजनेसमैन्स विथ प्रॉफिट मोटिव. सो दिस वॉज द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग.